हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गार्डन नीड्स में आपका एक फिर से स्वागत है। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और इसमें जब आप अपने गार्डन बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ऑर्नामेंटल प्लांट ज़रूर इंक्लूड करें, वो आपके गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में। तो जो मेरा फर्स्ट प्लांट है वो है डेफनवेलिया। ये बहुत ही प्यारा प्लांट होता है फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ कितनी ग्रेसफुल है। इसमें बहुत अच्छा शेड आता है और ये आपका इंडोर प्लांट के रूप में काम करता है। आपको इसको जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है, आप इसको सेमी सेट में रखें कहीं पर भी, या आप इसको इंडोर प्लांट के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत प्यारा प्लांट है, इसे ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करें। जो डेफनवेलिया है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स होता है फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। जो मेरा सेकंड प्लांट है वो है क्रोटोन। और ये देखिए कितना प्यारा क्रोटोन है, इसमें हल्के हल्के पैचेस पड़ी हैं, गोल्डन डस्टिस की पत्तियाँ देखिए बहुत ही प्यारी लगती हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट है। जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है वो है डेविल बैकबोन। ये भी बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स, देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी ग्रेसफुल हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। वाइट ग्रीन पैचेस में बहुत प्यारी ये पत्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर इंक्लूड करें आप अपने गार्डन में। जो नेक्स्ट प्लांट है मेरा सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, और इसको डेरिकेना भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही प्यारा प्लांट, देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी ग्रेसफुल हैं, वाइट ग्रीन बहुत प्यारी लगती हैं फ्रेंड्स। ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट लगाना चाहती हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करें। देखिए इसकी ये पत्तियाँ, ग्रीन पत्तियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट इंक्लूड करें। यह भी इंडोर प्लांट होता है, बहुत सुंदर ही लगते हैं। और जो नेक्स्ट वैरायटी है वो डेरिकेना है। देखिए आप ये वो पिंक डेरिकेना बहुत प्यारा लगता है, ये इसकी लीव्स देखिए आप कितनी सुंदर हैं, ये बहुत प्यारी लगती है फ्रेंड्स ये। और ये भी आप इसको भी धूप में रख सकते हैं, बट फ्रेंड्स आप इसे इंडोर प्लांट के रूप में भी आप इसको लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट है मेरा ये भी जो है क्रोटोन प्लांट है, ये बहुत प्यारा लगता है। देखिए सुंदर कितना सुंदर है, अलग अलग क्रोटोन की वैरायटीज़ आती हैं, इसे इंक्लूड करें आप अपने गार्डन में ज़रूर। और जो नेक्स्ट है मेरा ये है डिनर प्लेट, ये भी बहुत प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है फ्रेंड्स। देखिए इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर लगती हैं, और इसको डिनर प्लेट के नाम से इसको जानते हैं। देखिए बहुत प्यारी इसकी पत्तियाँ हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है ये भी डेरिकेना का एक वैरायटी है, इसको बनाना लीफ जो डेरिकेना है उससे जानते हैं इसको, इसके जो नाम है बनाना लीफ डेरिकेना है। आप इसको भी देखिए कितना प्यारी इसकी पत्तियों का सेट है, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो नेक्स्ट मेरा है ये है क्रोटन है, ये भी गोल्डन डस्ट, इसको क्रोटन कहते हैं। स्मॉल लीफ में बड़े एक बड़े लीफ में भी आता है, ये भी बहुत प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है फ्रेंड्स, इसको भी आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जब आपके गार्डन में ये चार चांद लगा देते हैं प्लांट्स, तो इनको ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट है मेरा सफलेरा, और ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है, देखिए आप कितना सुंदर ये लग रहा है। ये इसकी जो पत्तियाँ हैं वाइट ग्रीन पैचेज में होती हैं, कोई बिल्कुल वाइट होती हैं, पर्पल सॉरी येलो में होती हैं, बहुत प्यारी ये लगती हैं, आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करें। और जो नेक्स्ट प्लांट है वो है कॉलियस, देखिए कॉलियस भी इतना सुंदर प्लांट है, इसकी लीफ देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लगती है, ऐसे लगता है किसी ने इसमें बहुत प्यारी तरह से डिज़ाइन बनाया हो, बहुत प्यारी होती है। इसके भी बहुत सारे जो कलर्स हैं वो आते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको बताया आपको, इसको देख लीजिए आप जाके अगर आपको इसकी वैरायटी देखनी हो तो। जो नेक्स्ट है मेरा फोटोस या मनी प्लांट है, ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं फ्रेंड्स, तो आप मनी प्लांट को ज़रूर इंक्लूड करें अपने गार्डन में, बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। और जो नेक्स्ट प्लांट है वो स्पाइडर प्लांट, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये, और इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी ग्रो कर गए हैं, और आप इनसे नए प्लांट्स आप लगा सकती हैं, स्पाइडर प्लांट बना सकती हैं नए। और जो नेक्स्ट है मेरा वो है सिंगोनियम, देखिए सिंगोनियम बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, इसे एरोहेड प्लांट भी कहते हैं। ये भी बहुत प्यारा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके गार्डन के लिए, इसे ज़रूर इंक्लूड करें अपने गार्डन में, बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। जब ये बुजी हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो इसे ज़रूर इंक्लूड करें आप। तो और नेक्स्ट है जो है वो है कैलेथिया, ये भी बहुत सुंदर प्लांट, देखिए फ्रेंड्स इसकी पत्तियों में कितना प्यारा डिज़ाइन बन के ऐसा लगता है किसी ने आर्ट की हो, बहुत ही सुंदर लगता है, आप इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई जो वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।